अभी मैंने बहुत से व्लॉग्स बनाए हैं, तो उसमें आप मतलब क्यों नहीं आ रहे थे? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है आपसे। सीन ये हो गया था, उसमें ना होने की वजह ये थी कि मेरा बाल जो है एक नंबर हो गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स, आप लोग पीछे देख सकते हैं, अभी फोटोशूट चल रहा है वहाँ पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं शाहगंज। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे रास्ते में रुके थे क्योंकि व्लॉग स्टार्ट करना था, तो सोचे यहीं पे अच्छा सा बैकग्राउंड देख के वहीं पे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहीं पे फोटोशूट भी चल रहा है और यहाँ पे मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हमारे बाबू हैं, पर हमारे कासिम हैं, यहाँ पर हमारे शहाब हैं जो कि बहुत ही सपोर्ट करते हैं ये लोग, और बहुत ही अच्छा है। तो अभी आप लोग जो है वो आज का जो मौसम है वो देख सकते हैं कितना अच्छा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, और जब हम लोग निकल गए थे घर से उससे पहले जो है वो बारिश हो रही थी। और आप लोग यहाँ का जो क्लाउड है वो आप लोग देख सकते हैं, पूरा जो है वो काला हुआ है। बारिश कभी भी हो सकती है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है। आप लोग इस मौसम का जो लुत्फ़ है वो उठा सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। गाइज अभी हम लोग जस्ट यही पहुँचे हैं, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, जो एयरमानीज ढाबा जो शाहगंज में पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। मेरे साथ अभी मैंने आप लोगों को बताया था, वही लोग आए हैं मेरे साथ, मेरे फ्रेंड लोग। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो जो है एक छोटी सी शॉप मिल जाएगी आप लोगों को, उसके बाद एयरमानीज का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा ये लोगो मुझे लगा। और यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे हरियाली जो है, इसका लोकेशन जो है बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। यहाँ पर जो है वो पार्किंग के लिए है, बाइक और कार पार्किंग के लिए आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ से जो है वो अंदर की तरफ रास्ता गया है जाने के लिए, यहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जो कि बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारे जो फ्रेंड लोग हैं वो फ़ोटोशूट कर रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू आप लोग थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट की खूबसूरती है जो है वो कितनी अच्छी है। तो ये सब जो है वो बाहर का व्यू था, मैंने आप लोगों को बाहर का जितना भी व्यू था, जितनी भी चीज़ें थी, सब मैंने आप लोगों को दिखाई भी। और ये जो तो बाहर से इसका जो व्यू है वो एकदम कल्चरल है और बहुत ही अच्छा है।
जो यहाँ पे सामान जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही यूनिक है। तो अब जो है वो अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो लाइट लगी है, ये रात के लिए है क्योंकि रात में जो है कोई भी चीज़ हो रात में लाइटिंग की वजह से और भी खूबसूरत लगने लगती है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग गमले में छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे पेड़ भी है जिससे इसकी खूबसूरती जो है वो और भी अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा पार्क टाइप ऐसा बनाया गया है जैसे साउथ इंडियन ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। पूरे आजमगढ़ में जो है बहुत ही कम ऐसे रेस्टोरेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि मैं जो है अभी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ का। यहाँ पे जो है वो एक छोटी सी नोटिस लिखी गई है जिसमें ये लिखा है कि यहाँ थूकना सख्त मना है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसकी वजह से ये सब का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस रेस्टोरेंट के स्टार्टिंग में ही लेफ्ट साइड में आप लोगों को फालूदा और आइसक्रीम वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है सब खाने के लिए, लेकिन मैं बताऊं कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको अगर टेस्ट करना चाहेंगे तो ये ज़रूर आप लोग टेस्ट करें। यहाँ पर फालूदा जो है बहुत ही अच्छा मिलता है, आइसक्रीम भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। अभी हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो गाइज़ अभी मैंने ये जो लेफ़्ट साइड का जो था वो मैंने आप लोगों को दिखाया, अब यहाँ पर चलते हैं जो राइट साइड में है, इसकी तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे राइट साइड में मैंने लेफ़्ट साइड का आपको दिखाया कि वहाँ पे फालूदा और आइसक्रीम मिलता है, और राइट साइड में यहाँ पे जो खाना खाने के लिए दस्तरखान है वो आप लोगों को मिल जाएगा, और भी है अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे बाहर में यही थोड़ा सा दो तीन यहाँ पे दस्तरखान बनाया गया है, लेकिन अंदर की तरफ आप लोग देखेंगे तो और भी है। मैंने आप लोगों को यहाँ का जो लोकेशन है वो पूरा आप लोगों को दिखाया हूँ, तो अब मैं बढ़ता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज देता हूँ कि ये जो जगह है ना वो थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप है, क्योंकि यहाँ का जो एयरमानिस जो रेस्टोरेंट है वो एकदम अलग बनाया गया है, एकदम यूनिक सा बनाया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आए तो लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा एक बार जो है यहाँ पर विज़िट करें, और इसका जो लुक है वो पूरा आप लोग यहाँ पर घूमिए और पूरा दिन यहाँ पर इंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा ये प्लेस है। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये किचन है और यहाँ पर हमारे जो फ्रेंड है वो सब बैठे हुए हैं और बातें हो रही हैं।
और बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ में फ्रेंड हैं और रेस्टोरेंट पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ बाहर जो है वो अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में अभी तक ऑर्डर नहीं दिया। तो चलिए आप सबसे पहले ऑर्डर देते हैं, उसके बाद जो खाना आएगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि खाने का जो टेस्ट है वो कैसा है, और वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी ऑर्डर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले शाहब भाई से मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले आप क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जो है अभी मैंने बहुत से व्लॉग्स बनाए हैं तो उसमें आप मतलब क्यों नहीं आ रहे थे, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है आपसे। सीन ये हो गया था उसमें ना होने की वजह ये थी कि मेरा बाल जो है एक नंबर हो गया था। एक नंबर मतलब बोले तो? एक नंबर मतलब एक नंबर वाला नंबर नहीं, नहीं, नहीं एक नंबर वाला नंबर। अच्छा, जैसे मतलब क्या हुआ था आपके साथ? हुआ यूँ कि मैं गया बाल कटाने, मैं बोला उससे भाई एक नंबर बना दिया जी। तो उसने क्या किया, सीधे ट्रिमर लिया और यहाँ आगे से एक नंबर करते हुए चला गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब इधर तक एक नंबर हो गया तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं कहा एक नंबर हो गया तब इसको एक नंबर करके कंप्लीट कर दी। नहीं बहुत कि मैं कुछ दिन था वहाँ पे मौजूद, फिर भी व्लॉग में नहीं आ रहा था। अब तो बाल तीन नंबर नहीं, सही है, अब सही है, व्लॉग में। चलिए कोई बात नहीं है, इतना होता है, बहुत ही लेकिन गलत हुआ आपके साथ, मैं कहूँगा आपको। तो चलिए कोई ना, आपसे जो नेक्स्ट व्लॉग में आते रहेंगे हमारे शाहब, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। और चलिए अभी ऑर्डर तो हम लोगों ने दे दी है, तो अभी आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो फाइनली जो है वो खाना आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही वेट करने के बाद। एयरमानीज रेस्टोरेंट का जो सबसे स्पेशल डिश है वो हमने मंगाए हैं, जिसका नाम चिकन स्पेशल सीजलर है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा है लेकिन टेस्ट करने के बाद ही इसका पता चलेगा कि ये कैसा है। और यहाँ पर बटर नान है और यहाँ पर सलाद है, और भी ऑर्डर हमने किया है, तो अभी वेट करना होगा, उसके बाद मिलेगा। तो अभी एक एक जो है फालूदा हम लोगों ने मंगाए हैं, इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन अभी इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को ये फालूदा जो है वो कैसा है। तो फ्रेंड जैसा कि आज आप लोगों ने देखा आज के व्लॉग में कि हम लोग आज शाहगंज के अरमानीज ढाबे पे आए, जहाँ का नाम बहुत हम लोगों ने सुना था, हम लोगों ने सोचा कि इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो रियान जो जैसा कि आज आपने व्लॉग में दिखाया अरमानीज ढाबा, तो आप क्यों ये व्लॉग मतलब ढाबे से रिलेटेड बनाते हैं या फिर ऐसी जगह का बनाते हैं जहाँ? जी मैं रेस्टोरेंट इसलिए दिखाता हूँ कि जैसे जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे यहाँ का जो यहाँ लोकेशन है, जैसे जायका दरबार मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया, अब बहुत से मतलब फूलपुर में दिखाया मैंने बहुत से रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आज आया हूँ तो मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ का जो लोकेशन है वो देखना चाहते हैं, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो घर बैठे ही यहाँ पे एंजॉय कर सके, देख सके। तो आज यहाँ पे आए, हम लोग भी कहीं सुने थे कि अरमानीज ढाबा ऐसे ऐसे है, तो अभी हम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम हम लोग का है, लेकिन बराबर आते रहेंगे अगर हम लोग को टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तो स्कूल ओपन हो गया तो इसकी वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। आज स्कूल क्लोज था इसकी वजह से हम लोगों ने फ्रेंड जो है वो सब लोग आए तो बहुत ही इन्जॉय हुआ, क्योंकि फ्रेंड जब साथ में रहते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग फील ज़रूर किए होंगे। तो जैसे कि रेहान जो व्लॉग बना रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए व्लॉग बना रहे हैं, ताकि आप और अभी जो है वो हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, इसकी खुशी में जो है मैं इन लोगों को थोड़ा सा पार्टी भी दिया हूँ और यहाँ पर आया हूँ, और बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतने कम समय में मुझे 500 सब्सक्राइबर के हकदार बनाया, और अपने सारे फ्रेंड्स
को बहुत ही मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन लोगों ने बहुत सारे बहुत से सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा प्यार दिए मुझ पर। इंशाल्लाह जैसे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग आपको कहाँ का चाहिए या फिर किस चीज़ के ऊपर हम लोग व्लॉग बनाएं, मतलब उसी तरीके से उसी टाइप का हम लोग व्लॉग बनाएंगे। अगर जिस जैसा भी आप लोग जिसमें इंटरेस्टेड आप लोगों को, मैं उसी तरीके से कोशिश करूँगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसी तरीके का व्लॉग बनाऊँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रेहान आदमी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंचे।